एंटरप्रेन्योर, पता है शब्द का मतलब क्या होता है? आज हमारे देश में ई कॉमर्स, स्टार्टअप, बूटस्ट्रैपिंग, ग्रोथ हैकिंग, फंडिंग, इक्विटी और प्रॉफिटेबल बिजनेस जैसी चीजें सबकी जुबान पर है। कोई अपने आइडिया के फेल होने पर जीएसटी और मार्केट को ब्लेम कर रहा है। अब ध्यान से देखो यार, आज हर दूसरा इंसान खुद को एक एंटरप्रेन्योर क्लेम कर रहा है। एक डोमेन नेम ले लिया, फेसबुक की प्रोफाइल पे सीईओ लिख दिया और मचाने लगे शोर। बस भौंकना आता है सोशल मीडिया पे और खुद को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। वक्त का तकाजा ही नहीं है, लोगों को अंदाजा भी नहीं है एक सच्चा एंटरप्रेन्योर कौन है। तुम्हें पता भी है, ये कोई टैग नहीं है, एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोग अपने वीकेंड्स को प्लान करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर अपने आने वाले 5 साल प्लान कर रहा होता है। जब लोग डांस करेंगे, कॉन्सर्ट्स में जाएंगे, ठीक उसी वक्त ये एंटरप्रेन्योर्स व्हाइट बोर्ड पे अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे। दुनिया को कैंडी क्रश खेलना है और हाई स्कोर बनाना है, एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया बदलनी है और अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। एक एंटरप्रेन्योर की जिद होती है कामयाबी, एक एंटरप्रेन्योर की मजबूरी होती है कामयाबी, एक एंटरप्रेन्योर का नशा होती है कामयाबी। एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में बस एक ही बात है, दैट आई विल बी सक्सेसफुल, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। स्ट्रगल के दौर में भी वो जुनून के साथ बोलेगा कि आज नहीं तो और कभी, करेंगे लोग गौर कभी। वो चलेगा, वो लड़ेगा, जिस काम को सुन के आम लोगों की फट जाए, एक एंटरप्रेन्योर हर वो काम करेगा। उस चीज को रियलिटी बनाना होगा जिसके बारे में सुन के ही लोग बोले होली शिट, अबे ये कैसे हो सकता है यार, दिस इज इम्पॉसिबल। और फिर वो पूरी जान लगा के, जोर से चिल्ला के, पूरे एटीट्यूड के साथ जवाब देगा, दैट आई एम पॉसिबल। इसीलिए स्किल सीखो और हुनर लेके आओ, अपने अंदर वो जिगर लेके आओ, वो बार बार गिर के उठने की चुल, इतनी एनर्जी, ऐसा पागलपन जैसे 24 घंटे पी के रहते हो रेडबुल, एमडीएमए या फिर कोकेन नहीं, वो एडिक्टेड है ज्ञान का, अच्छे मेंटोर्स का, मिडिल क्लास मेंटालिटी और छोटी सोच को एंडोर्स करते हैं। सबने खरीदा नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, वो एंटरप्रेन्योरशिप का ऑनलाइन कोर्स करते हैं। निराशा उनके पास नहीं आती, रिजेक्शन उनको रास नहीं आती, वो बैठ नहीं पाता आराम से, एंटरप्रेन्योर को चैन की सांस नहीं आती। रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को वो हाथी बन के कुचलेगा, एक क्रेजी बॉल की तरह यार, जितना कस के मारोगे उतना ज्यादा ऊंचा उछलेगा। जिनमें रोज कुछ नया सीखने की क्यूरियोसिटी है, एक्चुअली उन्हीं लोगों में जीतने की कैपेसिटी है। इरादे दमदार, मेहनत से प्यार, कोशिश बार बार, सोच आर पार, कॉन्फिडेंस हमारा हथियार। और देखो ऐसे होता है चमत्कार, दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, अपने खून की गर्मी को पसीने के साथ डिसॉल्व करेगा। लीडरशिप ऐसी जैसे सोलर सिस्टम में सन, पूरी टीम को अपने आगे पीछे रिवॉल्व करेगा, जितनी बार गिरेगा उतना ही ज्यादा इवॉल्व करेगा। सिर्फ अपने टारगेट्स नहीं यार, पूरी टीम की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। लोग प्लानिंग करते रह गए, वो एग्जीक्यूट करेगा। जो लोग आज ताने कस रहे हैं, सबको म्यूट करेगा। सब बिजी होंगे 9 to 7 के जाल में, मिलियन डॉलर आइडियाज हर वक्त उसके ख्याल में। लोग करते हैं शो ऑफ, ईएमआई पे लेते हैं आईफोन, ब्लैक होल से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। एक एंटरप्रेन्योर का माइंड जोन, वो सेल्स फनल को डिजाइन कर रहा होगा। जब दुनिया टिंडर पे राइट स्वाइप करेगी, वो अपना बिजनेस ऑटोमेट करेगा। जब दुनिया व्हाट्सएप पे बाबू आई मिस यू टाइप करेगी, उसके स्ट्रगल की कहानी उसकी जीत को डिस्क्राइब करेगी, उसका आइडिया भी हिट होगा यार, एक दिन उसकी भी हाइप बनेगी। जी फॉर गर्लफ्रेंड नहीं, जी फॉर गोल्स के लिए डेडिकेटेड। जितना सुनने में ये मुश्किल है, करना उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सोच इतनी बड़ी, वो एक्सपर्ट्स को भी कंफ्यूज करेगा। क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी को अपनी गाड़ी में फ्यूल की तरह यूज करेगा। विजन इतना बड़ा, वो एक्सपर्ट्स को भी कंफ्यूज करेगा। क्रिटिस